मध्य प्रदेश में लगातार सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है। आए दिन नए नए सड़क हादसे निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं कटनी में बर्थडे सेलिब्रेट करने निकले चार दोस्तों की सड़क हादसे में मौत हो गई। तेज रफ्तार बस ने उनकी कार को टक्कर मार दी। चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चारों मृतकों में से एक का जन्मदिन था। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स परकोटा तिराहा सागर मध्य प्रदेश। जानकारी कहती है कि हादसा गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे सुर्खी मोड़ पर हुआ था। कार सवार कटनी से उमरिया की ओर जा रहे थे। मृतकों में जुहिली गांव के रहने वाले गौरव पिता घनश्याम दुबे, प्रियांशु पिता देव कुमार दुबे, रोहित पिता राम सजीवन दुबे और गायत्री नगर निवासी अतुल पिता ओम प्रकाश मिश्रा शामिल है। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। बस में सवार दो यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। सर, ये जो आज हादसा हुआ है, एक बस सवार ने कार सवार, सर क्या कुछ हादसा हुआ है? देखिए, जोहला के पास में जो है एक हादसा हुआ है, जिसमें एक बस और स्विफ्ट गाड़ी की टक्कर हुई थी, जिसमें घटनास्थल में दो लोग खत्म हुए गए थे और बाकी हॉस्पिटल आने के बाद दो लोग और खत्म हो गए हैं। हादसे की वजह क्या रही? हादसे की वजह अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी क्लियर कट ये स्पष्ट नहीं है कि किस वजह से हादसा हुआ है। हम लोग अभी घटनास्थल ही विजिट कर रहे थे और देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्या रीज़न रहा है। और मूल रूप से पहले वो ब्लैक स्पॉट भी रहा है, जिसमें हादसे होते रहते हैं, टर्निंग है, तो अभी और बाकी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बस ड्राइवर क्या फरार हो चुका है मौके से? अभी बस ड्राइवर मिला नहीं है और उसकी खोज कर रहे हैं। गाड़ी वगैरह जब्त हो गई सर? हाँ, बस वगैरह जब्त। बस पता चल पाई किसकी है ये? बस अभी प्राइवेट, अभी बस क्या है, जस्ट एक्सीडेंट हुआ है, अभी थाने ले गए हैं बस को और उसमें अभी सर्च कर रहे हैं कि कौन है और किसकी बस है। सर, मृतक सर कौन कौन है? मृतक देखिए, तीन लोगों के नाम स्पष्ट हो गए हैं और बाकी एक अभी अज्ञात में है ना, जो कटनी के ही सभी लोग लगभग रहने वाले हैं। हीरा विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, कटनी।